इसके बड़े लफड़े हैं स्कूटी के। लड़वा, हाँ भाई लड़वा है, LADW है। स्कूटी के लिए फिर से वही जमेला है। फनी चीज हुई है ना, अभी जहाँ मैं बेकरी में खड़ा था, मेरे साइड में आदमी का बिल बना 500 समथिंग का, जितने में कैमरा ऑन हुआ राजधानी निकल गई यहाँ से। और क्या फिर जब श्योरिटी नहीं है किस बात के पैसे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंटोना द ब्लॉग। आज से हम शुरू करने वाले अपनी नई सीरीज, नई जर्नी लद्दाख की। दिल्ली से लद्दाख हम करेंगे 10 से 14 दिनों में, वो डिसाइड होगा क्योंकि मम्मी का नेक पेन था। पिछला वीडियोस आपने देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा क्या सिचुएशन घर में चल रही है। तो अगर मम्मी का नेक पेन वगैरह सही हो गया उससे आपसे सारी राइड चलेगी। अभी टाइम हो रहा है कुछ ज़्यादा ही, गाड़ी चार्ज हो रही है, 6:45 हो गए हैं। 6:45 कैसे हुए, मेरे को तो निकलना था 4:30 के करीब, हम सोते रह गए। आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पता नहीं अलार्म का क्या हुआ, अलार्म लगा के सोए थे। फिलहाल इसको जल्दी समेटता हूँ मैं और ये रखने थोड़ा सा कम रखे थे, और बाकी ऊपर बस एक ही बैग है। बाकी पिछले ब्लॉग में दिखाई दिया था सारा बैग वगैरह नीचे लगा, तो पिछला ब्लॉग नहीं करेंगे। आपने देखा होगा तो देख लेना, नहीं देखा होगा तो इसके बाद जाके देख लेना, तो आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगी। मम्मी आ गई है, मम्मी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हूँ। नीचे पजामा पहना है, ऊपर टी शर्ट पहनी है, बस अब राइडिंग गियर पहनेंगे। और आज सुबह भी मम्मी भी राइडिंग गियर पहनेगी भाई, तो अब जल्दी चलते हैं, पैक करता हूँ और उसके सीधा बाइक पे जब पूरा लगा लेते हैं तब मिलते हैं, क्योंकि लेट हो चुका हूँ। लो जी भाई पूरा तैयार हो चुका है। ये बैग वैसे लगना मम्मी के पे था, बट वहाँ जगह नहीं है तो कहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, तो एक ही बैग उधर लगाया है। ये हो गए दो बैग अपने, ये पीछे सामान का बैग हो गया। ये सब जितना भी है ना भाई, मैं ये अभी नहीं दिखाऊंगा, ये सब ट्रिप पर दिखाऊंगा। और ये तो अभी पीठ पर आ जाएगा। ये अपना हेलमेट आ गया है, GoPro टैंक बैग, ये पेट्रोल के जेरिकन लग गए, वो लगाए नहीं है भाई 3 साल से, देखते हैं क्या रहेगा। ये खड़ी मम्मी, मम्मी ने पहनी राइडिंग जैकेट और कैमरा भी लगा हुआ है, तो देखते हैं मम्मी के कैमरे से क्या शॉट्स आते हैं। बस नया है और ये फुल सेट हो गया। बस इसमें एक दिक्कत आएगी, वो मैं बाद में बताऊंगा जब दिक्कत आएगी, वो आएगी 150-200 किलोमीटर के बाद। फिलहाल अभी चलते हैं जल्दी से और मैं भी रेडी हूँ। ये कुछ अपना हाल है, शूज़ अपने नए हैं, बाकी सब आगे दिखा दिया। स्टिकर लग गया अपना, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बट कोई नहीं, अभी ठीक से लगे भी। चलो ठीक है, बाय बाय। ओह व्हाट अ फीलिंग, सेकंड टाइम कितना सक्सेसफुल रहेगा डोंट नो भाई, कितनी वियर्ड लग रही है जेरिकन लगा के। बाय बाय बाय, क्या हुआ? अब मैं एग्जैक्टली बताता हूँ हुआ क्या। जितनी देर में मैं घर से बाहर निकल गया उतनी देर में मम्मी गलती से गाड़ी में टकरा गई, और मम्मी को कैमरे के साथ चलाने की आदत नहीं है। भाई सब मेरे बस की बात नहीं है भाई, कैमरा एंगल ना थोड़ा सा नीचे है, मैंने माउंट ढूंढने की कोशिश भी करी थी, माउंट मिला नहीं, तो अभी बेयर कर लेना, बाद में देखना थोड़ा कुछ ठीक ठाक करेंगे। बट अभी किलोमीटर्स हो रहे हैं 55,428 और काफ़ी लेट हो गए भाई, गलती से पता है। रात को मैं एक फनी सीन बताता हूँ क्या हुआ। मम्मी ने पूछा कितने बजे का अलार्म लगाना, मैंने कहा आपकी मर्जी है आप बताओ, 7 बजे का बोलोगे 7 बजे निकल लेंगे। भाई साहब अभी एग्जैक्ट 7 होने वाले हैं, 6:58 हो रहे हैं, हद हो गई भाई हद। क्यों बोला मैंने ऐसे, हम अभी 2.5 घंटा लेट हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, नींद पूरी हो चुकी। मम्मी को ना दिक्कत ये है कि कैमरे की आदत है नहीं। अब इस राइड पे भाई कोई 120 कोई 130 नहीं, कोई कुछ नहीं, इस बार ही चलेंगे मम्मी के हिसाब से। बैग थोड़ा यार मम्मी का ना अभी ढील है, पता नहीं यार मैं अपने लगाने में लगा हुआ था, भाई और उन्होंने मिल के लगाए हैं, मेरे पास टाइम नहीं था। लो जी यहाँ कैमरा ऑन नहीं करा मैंने, तो क्या करा, हर ट्रिप के शुरुआत में यहाँ कैमरा ज़रूर ऑन होता है। और भाई ये पहाड़ है, चीले देखो कितनी हजारों में होंगी ना। फिलहाल भाई इतना लेट निकल के भी हम हाईवे पे पहुंच गए, बीच में ना एक डाइवर्जन आ गया था और उस डाइवर्जन ने फ़ायदा कर दिया कि हम अच्छी वाली रोड से आ गए, वरना टूटी हुई थी पूरी। मम्मी का बैग देखो भाई राइट साइड लटक गया पूरा, रोकता हूँ इनको ना। अरे भाई भाई इनको जोश आ गया भाई, इस बैग की ना मेरे को लग रहा कहानी पता नहीं क्या है, ढीला था अभी भी ढीला है पर ठीक है कर दिया, ये देखो ना ढीला ही है। बाकी हाईवे पे आ गए हैं और सही लग रहा है, अब रहन दो थोड़ा और चला लेते हैं फिर देख लेंगे इसकी राम कहानी क्या है। फिलहाल अभी हाईवे पे चढ़ चुके हैं तो अब इतने गड्ढे वड्ढे आएंगे नहीं होपफुली, अगर आगे सही बना हुआ हो मूर्थल वाला। बस जल्दी चलते हैं, मम्मी का भाई राइड विद रूबी इनके नाम से चैनल है, अभी वीडियोस नहीं है, मतलब जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक भी हो सकता है हो ना हो सकता है तब तक आ गए हो, बट बाइक और स्कूटी अपनी कुछ ऐसी लग रही है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ राइड के डे टू डे अपडेट्स आ रहे हैं भाई। हेलो जी पहुँच गए हैं गुलशन ढाबा मन्नत, सब आ गए भाई मूर्थल पहुँच चुके हैं, इससे पता चल रहा था भाई मूर्थल आ गए हैं,
और अभी बस क्रूज़ कर रहे हैं, मम्मी और मैं लगे हुए हैं फ़ोन कॉल पे, क्योंकि मम्मी के भी ब्लूटूथ मैंने लगा दिया था, जो कि आपने अगर वीडियो देखे हो तो वो गलती से इंटरकॉम के नाम पे मैंने ब्लूटूथ खरीद लिया, बट फिर कोई नहीं, डायरेक्ट तो कनेक्ट दो इंटरकॉम होते भी नहीं अलग अलग कंपनी के, तो फिर मैं मम्मी ने कहा ब्लूटूथ ही यूज़ कर लूँगी, और मम्मी और मैं कॉल पे हैं तो इसलिए रास्ते का इतना पता नहीं चल रहा, मैं वो गड्ढे आते हैं तो मैं मम्मी को बता देता हूँ, और मस्त चला रहे हैं अपना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है थोड़ी बतेरी, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ से लिखा होता श्रीनगर 790, पता नहीं अभी श्रीनगर उत्तराखंड वाला है, मोस्ट ऑफली उत्तराखंड वाला होना नहीं चाहिए क्योंकि उत्तराखंड वाला श्रीनगर 400 हो गया यहाँ से, तो ये हमें जो श्रीनगर जाना है वही है। अभी ब्रेक की तो ज़रूरत नहीं है ना मम्मी। कार्तिकेय भाई, अभिनव भाई, अगर तुम लोग देख रहे हो ना ये वीडियो, तो ये जगह तुमको याद होनी चाहिए, यहीं पे बाइकें लगाई थी और यहाँ पे ब्लॉग करा था मैंने, चाय पीने रुके थे, याद हो तो यहाँ पर पालीवाल जी मिले थे, चलो चाय पीने रुके थे, अभी फिलहाल यहीं पर रुके हैं, बाई चांस की बात है, बाई चांस की, क्योंकि मम्मी के दर्द हो रहा था गर्दन में, इसलिए हमने कहा और ले लेते हैं, मम्मी को चाय पी के दवाई लेनी थी, तो मैंने कहा ठीक है। अभी फिलहाल बाइक मेरी परफॉर्म कर रही है एक नंबर, मम्मी की स्कूटी भी परफॉर्म कर रही है एक नंबर, आदत हमें छूट गई है कि बाइक को स्कूटी के साथ चलाने की, 2019 में पड़ा था, उसके बाद आदत नहीं रही, तो मैं बीच में भगाने लग जाता हूँ, फिर बीच में ऐसे याद आते धीरे हो जाऊँ कि मम्मी आ रही है। फिलहाल अभी तक तो दोनों व्हीकल बढ़िया चल रहे हैं, मम्मी ने ऑर्डर करा एक चाय, एक आलू प्याज का पराठा, मेरे को चाय पीनी नहीं भाई, गैस वैस होती है तो कोई मतलब नहीं है, आराम से अभी राइड करेंगे, अभी यहाँ से अम्बाला रह गए 110 किलोमीटर, तो अम्बाला पे जाके मैं खाऊँगा कुछ प्रॉपर अच्छा यार, अभी मम्मी पूछ रही पकौड़े खा रहे हैं, मैं कहा भाई पकौड़े तो नहीं खाऊँगा इनके तेल के, और इस राइड पर मेरा एक रेजोल्यूशन कह लो कुछ भी कह लो, एक चीज़ है कि मेरे को 3 से 4 किलो कम करके लौटना है, वरना मज़ा नहीं आएगा, फिर थोड़ा कम होए ना अच्छा लगेगा, अभी वेट मेरा 80 है तो 76 के अराउंड हो जाए, 76 के अराउंड तो भाई बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल चलते, मम्मी ने ऑर्डर कर दिया है और बैठेंगे, टाइम अभी हो रहा है 9:30 होने वाले हैं, लेट हो गए, 9:45 बजे तक हम अम्बाला होते अगर हम घर से जल्दी निकल गए होते, बट कोई नहीं, नींद पूरी हो गई है मेरे को इस बात की खुशी है, तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ अपना, मेरे को मस्त मज़ा आ गया, अभी चलते जल्दी से चाय जो ऑर्डर करिए वो आए, फिर खा के यहाँ से निकलेंगे और राइड को एंजॉय करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ वाइजर भी चेंज कर लूँ, क्योंकि वाइजर चेंज कर लूँगा तो ये धूप वूप जो है थोड़ा सा चलाने में आसानी हो जाएगी। सही है, आलू प्याज पराठा चाय, मम्मी अभी बोली स्टार्ट हो गया, मैं क्या शुरू हो गया, मम्मी कहती वही पराठा चाय और ऑमलेट और मैगी, यही चलेगा 15 दिन। सही है, जैकेट अच्छी लग रही, मतलब पहनने में थोड़ा तो लगता होगा कि सेफ्टी है कि, पहले मैंने कहा था एक बार एम्फसाइज करके बहुत ज़्यादा कि ले लो जैकेट, पीछे से हवा आ रही है मस्त ठंडी हवा, बस थोड़ा पानी वानी भी फेंक रहा हूँ। कितना 10 मिनट और निकल जाएंगे घर से, हो चुके 92 किलोमीटर, मैंने अभी घर का मैप लगा के देखा तो सही है 92 किलोमीटर, निकले तो 7 बजे, 9 बज रहे, 9 बजे तक निकल जाएंगे 7-8 मिनट। सोता रह गया गाइस, मैं सोता रह गया, मैंने अलार्म लगाया था, वो पता क्या हुआ कि 3:30-4:15 का अलार्म लगाए, 2 अलार्म वो बजे नहीं बजे पता नहीं मेरे को, सुबह मम्मी ऐसे 5:09 पे उठे ना, मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं कहती 5 बजे, पहले मेरे को लगा मजाक चल रहा है, तो मैंने कहा नहीं सही में बज गए, मैंने कहा कोई नहीं, इतना है कि नींद पूरी हो गई, तो नींद पूरी हो गई थी ना आपकी, फ्लाइट नहीं है ना अपनी सवारी है, यही तो फर्क है, अपनी सवारी है, फ्लाइट होती तो कोई दिक्कत नहीं है, घंटे फिर नहीं उतारती, अभी अपनी सवारी है, आराम से चलेंगे, अभी जम्मू कैसे वही अभी भी 522 किलोमीटर रहता है। 5 मिनट वाइजर चेंज करने में क्या लगा है, ब्लैक वाला और मम्मी का मिरर, मेरी बुरी हालत हो गई भाई, बिल्कुल ऐसे पसीने में लथपथ हो गए, इतनी गर्मी हो गई अब काहे की ठंडी हवा, कौन सी है ठंडी हवा, बस चल रहे हैं भाई, जाले भी बनने लग गए हैं खड़े खड़े, और बीच में दिखती हैं एक तो सुपर बाइक्स हैं, तो मैं बाइक नहीं चला सकती, हाँ लद्दाख का पूरा सर्किट करने जा रही हूँ, दिल्ली से ही, चलो वो दूसरे तक स्कूटी से करने में दिक्कत नहीं आती, मम्मी कहती मज़ा आता है इसको, चलो जल्दी से चलते बहुत हो गया, और चेन देखो क्या चमक रही है ना, वजह ऐसी चमकी रहे, जैसे चेन ल्यूब लाए हूँ बट छोटी बॉटल है, तो देखते हैं कहाँ जाए करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। मंदिर देखो यार कितना सुंदर लग रहा है, मस्त एकदम, और वो देखो इंडिया के झंडे का गुब्बारा लटका रखा है, ये आज तक मैं उसे समझ नहीं आया बच्चों से होता किस लिए भाई, ये इतनी दूर से ब्रांडिंग तो दिख नहीं रही, अरे भाई क्या घंटा है, इतनी दूर से ब्रांडिंग तो दिखेगी नहीं,
बस यही है, बीच में जो ऐसे ऐसे बम्स आते हैं ना, ये थोड़ा इरिटेट करते हैं। मम्मी को मैंने बोल दिया थोड़ा आगे जाओ, क्योंकि क्या है कि मम्मी पीछे चलती है तो मैं स्पीड में चलने लग जाता हूँ। मम्मी आगे चलेगी ना तो मैं स्पीड बार बार देख के चलूँगा कि भाई कितनी मेरे को चलानी है, क्योंकि हमारे में तो भाई कितनी भगा लो, बट उसकी कैपेबिलिटी अलग है, स्कूटी की कैपेसिटी बोल लो, कैपेबिलिटी बोल लो अलग है उसकी। तो ढलान पे तो अभी तो 2-3 बारी तो पहुँच गई जब ऐसे ढलान जा रही है नीचे को, बट वैसे फिर उसमें वो होता है कि 90 जा रही है, मम्मी कह रही है। अम्बाला कैंट रह गया है 89 किलोमीटर, और एक और टोल आ गया, पर हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हमें तो टोल भरना नहीं है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे गाड़ी वालों की स्पीड टूट जाती है, क्योंकि इनको लाइन में लगना पड़ता है और टोल भरना पड़ता है। अपन तो निकलेंगे साइड से। चलो जी, हो गया टोल, मुबारक हो, मुबारक, लेट्स गो। मैंने भी गाने चला लिए, मम्मी ने भी गाने चला लिए, मम्मी ने दवाई भी ले ली थी, इसलिए मम्मी को था कि नाश्ता कर लूँ एक बार, दवाई ले लूँ। मम्मी की नेक में थोड़ा सा पेन हो रहा था, जब भी इस बस को देखता हूँ ना मन करता है इस बस में सफ़र करें, फिर लगता है यार क्या मतलब जब वो जहाँ रुकेगा वहीं रुकना पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा भाई अपना मजे में घूमो, अपना व्हीकल लेके घूमो, बस ये चलानी खुद पड़ेगी, वो तो फिर चलो इन्जॉयमेंट हो ही जाता है। पर अभी गर्मी हो रही है, 9:30 बज गए हैं और गर्मी तेज़, क्या बोलते हैं उसको, तेज़ तराके की पता नहीं, तेज़ हो रही गर्मी अच्छी खासी। बट ये वाइज़र चेंज कर दिया, अच्छा डिसीजन था। तो उससे क्या, धूप जो बहुत तेज़ दिख रही है ना, तो आँखें बहुत पतली करके चलाना पड़ता है, तो अभी नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसे इतनी धूप है ही नहीं, हेलमेट के अंदर लग रहा है। मम्मी फुल एंजॉय करते हुए चला रही, बस इनके बैक का सीन है कि वो लेफ्ट राइट कहीं तो जा रहा है, राइट में दिख रहा है मेरे को थोड़ा जाते हुए, बट कोई नहीं, अभी पेट्रोल भराने जब भी आगे रुकेंगे ना तो ठीक करेंगे। ये सही है, मम्मी ने ब्लूटूथ लगा दिया ना, गाने सुनते हुए चल रही है, मस्त, बोरियत भी नहीं होगी, बीच बीच में हम कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपस में बात बात करनी हो तो। बस उसमें यह थोड़ा कनेक्शन ब्रेक होता है, विंड ब्लास्ट आता है तो आवाज़ कट कट के आती है थोड़ी। इसमें निकाल लेते हैं एक, इसमें करते हैं लद्दाख बैठ के, मज़ा आएगा, क्या ही मज़ा, फन आएगा बिल्कुल। मैं इसके इतना पास आ गया था, मेरे को डर लग गया जैसे वो ट्रक हिले 6-6। पर हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो होने वाला है अम्बाला, क्योंकि हम स्कूटी को भी भाई रेस्ट देते हुए चलेंगे हर 100 किलोमीटर पर। तो पहला रेस्ट 92 किलोमीटर पर हो गया था, अगला रेस्ट देंगे उसका अम्बाला 100 किलोमीटर हो जाएंगे। है काफ़ी बियर्ड स्मेल आ रही है, लड़वा, हाँ भाई लड़वा है, LADW है, उल्टा नहीं है। और मैंने कैमरा इसलिए भी ऑन करा क्योंकि हमारे 55,554 किलोमीटर हो चुके हैं, एक और 5 लग जाएगा तो 5x5 हो जाएगा। मैं रुक के फ़ोटो तो लेना चाहता हूँ बट मैं रुकना नहीं चाहता, स्पीड टूट जाएगी। हो गए गाइस, क्या दिखेगा भी नहीं यार आप लोगों को, 555 और 2x5 मतलब 5x5 जब तक हम ट्रिप से लौटेंगे होपफुली इस बाइक के हो जाएंगे 59,000 किलोमीटर। बताओ कितनी ज़्यादा चला दी, और चलानी है अभी तो इस बाइक को, ऐसा लगता है कि कल ही तो ली थी। अम्बाला कैंट 72 किलोमीटर, लुधियाना 186 और अमृतसर 300 समथिंग होगा। और लद्दाख हम मनाली से भी जा सकते हैं बट हम मनाली से नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम ना जो असेंड होता है वो बहुत एकदम स्ट्रेट होता है ऊपर को, तो जो ऑल्टीट्यूड होता है वो एकदम से बढ़ता है। अगर आप जम्मू से करोगे, पहली बार कर रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा भाई जम्मू से ही करो, मनाली वाला रास्ता भूल ही जाओगे, एग्जिस्ट करता भी है। जम्मू से आप जाओगे ना तो धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ेगी, तो उसके बाद आप जो एडजस्ट करते जाओगे ना तो आपको मोशन सिकनेस नहीं होगा और ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगी ले पहुँचने के बाद, और जब आप खारदुंगला उंदर जैसे इलाकों में जाओगे। तो इसलिए हम फिर से जम्मू से करेंगे, एक बार जम्मू से कर चुके हैं फिर से जम्मू से करेंगे। मेरा मन था कि मम्मी भी व्लॉग्स बना ले अपने चैनल के लिए, चैनल हमने बना दिया था मम्मी का भाई और मैंने मिलकर, बट अब देखो मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मम्मी कह रही है या तो मैं राइड पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ या तो मैं बनाने में, तो इसलिए मम्मी अभी राइड पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि जब आपका मन करे, जब भी पहाड़ों पर मन करे, जब भी मन करे, मूर्ति देखो क्या सुंदर लग रही है, ये देखना कितनी पास से निकाल रहे हैं छपरी भाई, दूर से निकाल ले थोड़ा, इतना चिपका के निकाल रहे हैं, पेट्रोल के कैन भी लगे हुए हैं। 2 सेल मेरे डाउन हो चुके हैं पेट्रोल के, 1 सेल मम्मी का डाउन हुआ था, तो मम्मी की ऑब्वियसली स्कूटी है तो हम तो यही लेके चल रहे हैं कि 35-40 की माइलेज तो वो निकालेगी। और इस बारी मैं भी 80-90 में चल रहा हूँ मम्मी की वजह से, तो मेरी बाइक भी नॉर्मली 25 की माइलेज देती है, 28 की तो दे दे तो मज़ा सही आ जाएगा बिल्कुल भाई। इसके बड़े लफे हैं स्कूटी के, टंकी अंदर दे रखी है, और जिनको राइड करनी है वो क्या करेगा भाई, वो देखो चप्पल जूते भर रखे हैं।
पूरा घर लेके चल रहे हैं हम तो। ये मेरा पूरा घर, ये इनका पूरा घर। अभी तो भाई देखते रहो, अभी ट्रिप में आगे बने रहो, अभी तो इतना जो जो सामान लाए भाई आगे फट जाएगी तुम लोगों के देखने में, पर मजा जरूर आएगा। इतना सामान लाया मेरे को तो देखना है, जितना लाया है सब यूज होता नहीं होता, और पसीने इसलिए इतना आ रहा है क्योंकि भाई बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा करा ना भाई तेरी वाले लेके, अगर इसको ऊपर उठा के देख तो ना आंखों में धूप चुप रही है, नहीं, गर्मी भी नहीं लगती वो। हाँ, और चलाने में भी आसानी हो रही है, आंख वो ऐसे पतली नहीं करनी पड़ रही। सही, सही बात। तो वाइजर भी एक बार साफ कर लेंगे। अभी सोचा तो अम्बाला पे रुकेंगे डायरेक्ट, बट अम्बाला यहाँ से अभी भी है 34 किलोमीटर, तो इसमें हाँ ये भाई बहुत तेल पी रही है ये, मैं सोच गया था 40 की माइलेज दे देगी, बट आई थिंक सो 34 की दे रही है, क्योंकि हमने पेट्रोल जब भराया था फिर अगले दिन भी 3-4 किलोमीटर चलाई होगी कमलानगर के आसपास, बट ठीक है 34-35 की दे रही है, बट इस बारी बैग ठीक से बांधूंगा, सुबह इन लोगों ने ठीक से नहीं बांधा, तो यही है बस। इसमें पेट्रोल भराते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। टाइम अभी हो रहा है 10:33 हो रहे हैं, चल रहा है लेट प्रोग्राम, बट ठीक है, जहाँ लगेगा पावर कम हो रही है कुछ हो रहा है तो हाईवे पे ही होटल लेके रह लेंगे, फिर कल कर लेंगे। लंबा ट्रिप है ना तो कोई टेंशन नहीं है, और क्या, आराम से करते हुए चलेंगे, मौज करेंगे यार, ऐसे थोड़ी ना भगाया भगुई अपने से नहीं, आराम से करेंगे ट्रिप, एंजॉय करने निकलो, एंजॉय को एंजॉय की तरह करो, और कोई ऐसे वो भी नहीं है क्या बोलते हैं घर लौटने की, हाँ जल्दी नहीं है क्योंकि अक्टूबर में मेरी कोई कोर्ट की डेट भी नहीं और कुछ काम वैसे अड़ भी नहीं रहा। द ग्रेट खली ढाबा जस्ट 1 मिनट ड्राइव, मैंने वीडियो देखी है यार इसकी, बड़ा सही सा बना रखा है, जो रेसलिंग रिंग होती है वैसा सा ढाबा है। लो जी सुबह से जिस जगह की बात हो रही थी वहाँ हम पहुँच चुके हैं, अम्बाला, अम्बाला कैंट पहुँच चुके हैं, तीर कमान से पता चल ही जाता है, और मेरे को लग रही है भूख। अबे रुक जाओ यार, भूख लग रही है। कहाँ जाना सर? हैं? कहाँ जाना? नहीं नहीं हम तो जम्मू जा रहे हैं। ऊपर ही जा रहे हैं ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम तो खाने के लिए उनको रोक रहा था मैं तो। ठीक है ठीक है, तो फिर चलो ऊपर, वो कह रहे थे ऊपर जाना है जम्मू के लिए, जम्मू के लिए ऊपर। हाँ सीधा ही है ऊपर, नीचे तो मनाली आएगा ना, रुक जाओ ट्रक को जान दो फिर यूटर्न ले लो। मुझे लगा ये हल्दीराम वगैरह कुछ है। भाई मैंने यूटर्न लिया, अभी अभी रास्ता ही बंद कर रखा, पता नहीं क्या सीन है, रास्ता बंद कर रखा है। यहीं से जा रही है जहाँ से गाड़ियाँ वहाँ चलते, मैं रास्ता लगा लेता हूँ ना, पीछे लिखा तो था रास्ता बंद है, मैंने कहा पै पुराना लिखा होगा। ये बंद है क्या? नहीं निकलते बाइक वाले को, निकलने देते। जम्मू जाना है जम्मू? नहीं इधर है आगे कट है, हाईवे पकड़ सकते हैं या इधर जाना पड़ेगा? नहीं जैसे रास्ता बंद लिखा है ना, तो बाइक निकल जाएगी। चल कन्फ्यूजन है भाई, गाड़ी वाले भी मोड़ रहे हैं, ट्रक वाले भी मोड़ रहे हैं, कुछ भी चल रहा है इधर, देखते हैं हम। लोकल कह रहे हैं कि निकल जाएगी भैया, ट्रक भी वो देखो टाप रहे, कह रहे हैं बाइक तो निकल जाती है। सर जम्मू जाना है जम्मू, जम्मू जाना है जम्मू, अच्छा ये जो ये नीचे से कट जा रहा है राइट ले लूँ या क्या करूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, वापस हाईवे कनेक्ट कितने बाद होगा, कितने किलोमीटर बाद वापस हाईवे कनेक्ट होगा? अच्छा अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। बंद क्यों है? बंद है शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन। अच्छा अच्छा भाई, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा भाई साहब, ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। गूगल मैप्स ने गलियों में घुसेड़ दिया, ओबरे भाई कहाँ चला रहा है भाई, कह रहे यहाँ से जम्मू जाओ, भी 400 किलोमीटर दिखा रहा है, बट हमें रास्ते का पता ही नहीं है। वहाँ पर वो कह रहे हैं एक साल से फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मेरा कोई भी ट्रिप ऐसा क्यों नहीं होता जहाँ पर स्मूथली हाईवे हाईवे पकड़ के मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। ये रास्ता किधर निकलेगा? जम्मू, सही है। मैं बोल रहा था ऐसा कोई ट्रिप होता ही नहीं कि गलियों में ना घुसना पड़े, हाईवे छोड़ना ही पड़ता है। हमें तो इतनी भूख लग रही थी, मैं खाने की जगह ढूंढ रहा था और रास्ता ही बंद मिल गया हाईवे पे। अंकल मैं तो 5 मिनट से खड़ा हूँ पीछे। पता नहीं यार क्या लोग हैं, 5 मिनट से पीछे खड़ा हूँ, बैक कर दी पूरी घुसेड़ के, ना देखना ना कुछ, पहले ही दिमाग गर्म हो रखा है। लगी तो नहीं, खुद की गाड़ी देख रहा है, लगी तो नहीं। अबे पागल के बच्चे तू नहीं तो मारी है मेरे को, दिमाग खराब है।
पहले बस के पीछे कूद खड़ा है, फिर इसको बैक करके साइड से निकलना है। शीशे में देखते ही नहीं है भाई, क्या पता नहीं अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल। आ जाओ उससे डिस्टेंस बना लो, पागल का बच्चा पीछे घुसेड़ के चल रहा है अभी भी। ओ भाई गड्ढे वाले रास्ते से निकल के आ गए हैं यहाँ पे, ये रहा मेन हाईवे जो जा रहा है जम्मू वाला, ये कनेक्ट करेंगे हम। और यहाँ पर मम्मी पी रही है गन्ने का जूस, मैं तो पीता नहीं। ये बैग भाई चार बार ही लटक गया था, साइड में लटक जाता है, इतने गड्ढे इतने गंदे गड्ढे। और भाई चेहरे की बुरी हालत है, इग्नोर करो, भूख लग रही है, रोकूंगा आगे। टाइम हो रहा है 12:30, क्या गंदा घर से चलिए 240 कुछ, एग्जैक्ट 240 आई थिंक सो, बुरा हाल है। कोई नहीं चलते हैं, मैं गंदे का जूस पी लें, मैं पानी पीता हूँ, फिर आगे कहीं रुकेंगे, बढ़िया सी जगह पर रुकूँगा, ढाबा वाबा मेरे बस की नहीं है, कहीं रुकूँगा ढंग का जहाँ पर खा सके कुछ, सब्वे या कुछ खा लूँ भैया, खाना पड़ेगा। भाई साहब होल्ट लिया है 270 किलोमीटर के बाद और 1 बज रहा है भाई, ये देखो वॉश बे से नहीं है, ये कुछ ऐसी हालत है। और चलते हैं अभी, मुंह तो नहीं आया था, मैं हाथ तो नहीं आया था, कुछ बाइकर्स टाइप का कुछ बना रखा है मैंने, बहुत बढ़िया से वॉशरूम है, तो बाहर चलते हैं खाते हैं, बुरी हालत होगी। देखो क्या सही लग रहा ना, हाँ जी मज़ा आ रहा राइड करने में, बहुत क्या मज़ा आ रहा है, गड्ढे में गए पहले गड्ढे से, हाँ ये तो चलता है, बहुत स्लो हो गए आज पर हम, उस हाईवे के बंद होने की वजह से ना। अरे वो हाईवे 270 किलोमीटर हुआ है, तो बताओ 5 बजे तक जम्मू हो गया, अब तो 8 बजे दिखा रहा है, देखते हैं कहाँ होटल वोटल ले लेंगे पहले। बाकी ये कुछ है, यहाँ बैठे हैं, बाइक अपनी यहाँ लगी हुई है और खाएंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे यहाँ से बाहर देखने में लग रहा है कहीं अमेरिका वगैरह में चला रहे हैं, जबकि बाहर निकलेंगे तो पूरा धूप धूप में वही हो जाएगा। देखो नंबर प्लेट वगैरह लगेगा, क्या सोचा क्या खाना है? लो जी आइस टी आ गई है अपनी, दो मम्मी की दाल तड़का, रोटी तंदूरी, मैं भी खाऊंगा थोड़ी सी, बाकी मेरे आ रहे हैं पेरी पेरी फ्राइज। बट ये जो है ना ये बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी है भाई, दिल्ली में तो पानी मिला के देते हैं, बहुत डिफरेंट है टेस्ट चीज़ का, है ना, बहुत डिफरेंट सी है, मतलब आइस टी भी अलग अलग फ्लेवर की होती है, हो सकता है किसी फीस मार्ग का फ्लेवर की, प्राइस भी आ रहे हैं। बस ये खाने के बाद नींद नहीं आनी चाहिए, कुछ आए नींद नहीं आनी चाहिए। खाना पीना सब डन, फ्रेश भी हो गया मैं थोड़ा सा, यहाँ रुके थे हाईवे फूड एक्सपोर्ट ना रखा, अंदर से बैठ के बाहर देखो ऐसे लगता है कि बाहर है हम कहीं। और अभी दिखा रहे हैं 359 किलोमीटर, 9:45 बजे पहुँचेंगे जम्मू, बट मोस्ट प्रोबली जम्मू नहीं जाएंगे, चलो चलो मोस्ट प्रोबली जम्मू नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया, तो जहाँ तक जाएंगे 6-7 बजे तक चलाएंगे और उसके बाद ले लेंगे स्टे। लेट्स गो, अब चलानी है भाई आज, पता है बार बार रुकते रहूँ ना तो मेरे से फिर चलती नहीं है, बहुत मोमेंटम टूटता है, अगर मैं चलाता रहूँ ना तो मैं 100-100 किलोमीटर खींचता रहता हूँ, फिर मोमेंटम बनाएंगे क्योंकि अब फ्रेश हो गए हैं, पेट भी भरा हुआ है, ज़्यादा मैंने खाया नहीं, मैं राइड पर ज़्यादा खाता भी नहीं क्योंकि भाई सोना नहीं है, अपने को चलानी है। 7:45 दिखा रहा है, गाने मैंने चला लिए, मम्मी भी ब्लॉगिंग कर रही है, मम्मी ने भी गाने चला लिए, तो भाई आंटी को तो जगह ही नहीं दे रखी बैठने की। भाई साहब ये जो ट्रक चल रहे हैं ना हरे वाले, इसका आगे का टायर मेरी पूरी बाइक से बड़ा है, मैं देखना ये देखो, और कहाँ आसमान में बैठ के चला रहा है, अगर शीशे में दिख रहा हो तो। टाइम हो रहा है 3:15 और अभी मम्मी की स्कूटी में पेट्रोल फिर से खाली हो गए, वरमाने बहुत सारे पेट्रोल पंप आ रहे हैं बट बिल्कुल साइड में कोई भी नहीं आ रहा, कोई पुल के नीचे आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कोई पल्ली साइड आ रहा है, तो इसलिए कुछ आए तो भरवाएं। बीच में हाईवे बंद मिला ना हमें, और जो हम सुबह 2 घंटे लेट निकले हैं, वो दोनों चीज़ों ने कम्बाइन होकर ऐसी तैसी कर दी, वरना डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका होता है, पता नहीं इतनी स्लो क्यों कवर हो रहा है, 600 समथिंग किलोमीटर है, 275 पे रह गया, तो हिसाब खुद लगा लो। पेट्रोल पंप भी आ गया, लो जी भाई मज़ा आ गया, GoPro की भी बैटरी खत्म होने वाली है, इसको भी चार्जिंग लगाएंगे अपने नए चार्जर से, चार्जर लगाया बाइक में नीचे, और फ्यूल ब्रेक के लिए रुके हैं स्कूटी के लिए, फिर से वही जमेला, सामान उतारना, सामान चढ़ाना, सामान उतारा है, पेट्रोल भरा है, 450 रुपये का पेट्रोल आया, अब फिर चलेंगे, कितनी चल जाएगी, 170 चल जाती है, 170 या 180 चल रही है, और हम एकदम टच नहीं करा रहे कि मतलब पूरा ही खाली कर दे, जैसे उसमें 1 सेल आता है या फिर रिजर्व में जैसे चढ़ती है हम भरवा देते हैं। और मेरी बाइक में अभी होंगे 6 सेल होंगे या फिर 5 सेल होंगे, तो मैं अभी नहीं भरवा रहा, एक एक करके भरवाएंगे ना, थोड़ा ये है कि ब्रेक भी ले लेंगे आगे जब मेरा भरवाना होगा, बोलो सही है। अब ये बैग फिर से लगाना है,
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यार मेरे को तो बोरियत हो रही है, आपको बोरियत नहीं हो रही? मेरे को नहीं। क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही भाई, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और गर्मी लग रही है यार, मेरे को नहीं लग रही। भाई कौन से लोहे के बने हैं? मुझे तो बहुत लग रही है भाई। और टाइम अभी हो चुका है 3:30 होने वाले हैं। हम सही चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं? क्या कर रहा है? अभी हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम जम्मू पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। नहीं पहुँचेंगे तो पहले रुक जाएंगे, कल चल लेंगे, फिर कल का थोड़ा हिसाब किताब मिल जाएगा। तो ये है रोज का थोड़ा हिसाब किताब मिल जाएगा। मूर्ति देखो यार, मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। मोर 210 किलोमीटर चुको। वाइजर चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर मौका मिलना मिले। अभी खींच रहे हैं बस हम कि जितना कवर हो सके डिस्टेंस कर लेते हैं। मम्मी की भी चेहरा थोड़ा काला सा ही हो रहा है, बट दोनों व्हीकल आर परफॉर्मिंग गुड। जितने में कैमरा ऑन हुआ राजधानी निकल गई यहाँ से। लो जी फिर से फ्यूल ब्रेक जाया जा रहा मेरी बाइक में। तो उधर फिर जो मिला बैग उतारने का तो वो उतरेगा, तब तक मेरा भरेगा। आ रही हूँ, बच्चे मजे ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। राइड विद ओबी अनबीटेबल ट्रैवलर बाय। रात हो गई है, पठानकोट 30 किलोमीटर है यहाँ से। आज यहीं रुकेंगे, फिर कल सुबह सोचेंगे कितने बजे उठें और कितना जल्दी निकलें। वी आर इन पठानकोट गाइस। जम्मू नहीं हो पाया भाई, बुरी हालत हो गई है। जम्मू कैसे होगा, और इस हाईवे पे लाइट्स भी नहीं है, दिक्कत यह है। तो अभी भी जम्मू यहाँ से रहते हैं 115-120 किलोमीटर। अभी यहाँ पर होटल्स की तलाश चल रही है। यहाँ खड़ी मेरी बाइक, मम्मी की स्कूटी, बुरी हालत अपनी हो चुकी है। मम्मी एक बार पूछने गई है पार्किंग का पता चल रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं सामने ही है, तो हमें तो चाहिए भाई सेफ वाली। बाकी अभी मैं आगे भी एक 2-4 होटल्स पता करके आया था यहाँ पे, तो वही है मतलब क्या बोलूँ मैं। ट्रैवलर्स को देख कर लूट तो नहीं, क्योंकि ड्रेस भी वैसी पहनी हुई है, सबको पता है यहाँ से लद्दाख जाते हैं, तो इसलिए मैंने बोल वो सबको पता है कहाँ जाना, आगे जम्मू जाना है, लद्दाख जाना है। तो वही अभी मम्मी पूछने गई है एक बारी पार्किंग का, उसके देखते हैं क्या समझ आया। कह रहे हैं कहीं जाते लेकिन श्योरिटी नहीं है। तो क्या करना होता है अब बता ना, श्योरिटी नहीं है हमारी। तो क्या करना है फिर, कहाँ चलना है? है लेकिन है ना 1800 वाला देखना है तो और क्या। फिर जब श्योरिटी नहीं है पैसे किस बात के पैसे मतलब सामने लगा रहे हैं, तो ये तो गारंटी ले कि भाई श्योरिटी है नहीं है। लो जी भाई पहुँच गए गलत डेस्टिनेशन पे। हाँ जम्मू नहीं पहुँचे अभी हमें, पठानकोट पे। टाइम अभी तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, इतनी नहीं चलाई जाती भाई हमसे, हम रात वाले नहीं हैं। चल जाती है हमसे रात को, लेकिन बिल्कुल अनसेफ है। कोई खड्डा, इस हाईवे पे लाइट ही नहीं है, कोई खड्डा है हाईवे पे आपको नहीं। ऊपर से ट्रक वाले शुरू हो गए भाई, ट्रक वाले बावले हो गए। हम चलाते साथ में चलाई जा रही है हमसे, और लाइट नहीं इनके में, मेरे में भाई हमने डलवाई नहीं, क्योंकि हम सोच कर रहे थे हमें रात में चलानी नहीं, तो लाइट पे पैसा क्यों खर्चना है। आधे घंटे चलानी पड़ी, आधे पौन घंटे रात में। रूम टूर में देता हूँ यहाँ से भाई, रूम शुरू हुआ अपना। सबसे पहले वॉशरूम आ गया मस्त एकदम, ये अपना मिनी बार वगैरह, ये जरा होटल लाइन गया, हमें ये सब पता है। यहाँ सारा भाई कितना सारा ताम तम बीड़ा सामान है हमारा, ये हेलमेट, ट्विन बेडरूम है ये, और ये मैं हूँ भाई। भाई इतना बह रहा हूँ मैं तो, पता नहीं क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ, बिल्कुल ही पतला हो गया पहुँचूंगा भाई। कैसी रही पहले दिन की राइड? एक बात बताओ, अपने मन के लिए करते हो, मेरे साथ चिपकना हो तो बस इसलिए अपने मन के लिए भी कर सकती हूँ, तेरे साथ भी चमकना होता है। कि बस ध्यान रखना मेरा, राइड उसके लिए राइड भी शुरू कर दी। बताओ बट कोई नहीं, मजा आया पहले दिन? बहुत मस्त एकदम। कल से शुरू होगा असली टास्क गाइस। आज का भी था वैसे, मैंने मम्मी को यही बोला था
कि भाई आज चला लो, आज चला ली ना, तो उसके बाद फिर 10-12 दिन जितने दिन का ट्रिप है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो वही है, अब आज 500 किलोमीटर ज़्यादा हमने चला लिया, अभी भी यहाँ से जम्मू है 115 किलोमीटर और अभी हम रुके हुए हैं होटल वेनिस में, होटल वेनिस ही आई थिंक सुना, वहाँ होटल वेनिस पठानकोट होटल समझ नहीं आ रहा था, 4-5 और पूछ के आया था, तो इसी बजट के आसपास से 2000 का दिया उन्होंने लास्ट, इससे कम आ ही नहीं रहते। तो अब हम तो ट्रैवलर लोग हैं मम्मी, हमसे हम तो लेते नहीं इतना आउट ऑफ बजट, कैसे इतना आउट ऑफ बजट पहले दिन ही, जो कि यहाँ पर रुकना भी नहीं था, बट कोई नहीं, रूम अच्छा है, वही मतलब वो थोड़ा 4-5 स्टार वाली फीलिंग आ रही है तो ठीक है। लेट्स गो, क्या ही फ्रेश हुआ हूँ मैं भाई, कुछ नहीं फ्रेश हुआ, बस मुंह धोए हाथ धोए और सामने यार बेकरी थी इधर कहीं, मैंने गलत पढ़ लिया क्या, बाहर लिखा है यहाँ पे, देखते हैं आगे कुछ खाने पीने का, वैसे तो होटल में ऑर्डर कर रहे हैं कढ़ाई पनीर गार्लिक नान रोटी, बट कहीं पे बेकरी पड़ी थी तो देखता हूँ चल के। ये है बेकरी, ये कैसी बेकरी है भाई, ये है क्या दिख रही केक, हाँ ये देखी थी भाई मैंने, ये देखी थी, इधर चलते हैं इसमें देखते हैं क्या है, गूगल स्नैक्स गिफ्ट एम्पर क्या क्या है भाई, चलो क्या शानदार आइटम रखे हैं, पर हिसाब से खाना है तो चॉकलेट चोको फच पेस्ट्री एक मीठा हो जाए पहले दिन का, बाकी उधर से एक वड़ा पाव लिया है और एक मल्टीग्रेन कुछ तो वेज ब्रेड है, मल्टीग्रेन वेज हॉट डॉग है मस्त, और दो पानी की बॉटल, चलते हैं जल्दी से, बस पैक वैक हो जाए, मम्मी ने भी उधर खाना ऑर्डर कर दिया और खाएंगे सो जाएंगे, टाइम अभी हो रहा है 8:30, ब्लॉग्स एडिट करने की इतनी दिक्कत नहीं, उनकी बारी घर जाके ब्लॉग्स एडिट करेंगे अच्छे से, फिलहाल सामान लेते हैं और निकलते हैं। फनी चीज़ हुई है ना अभी, जहाँ मैं बेकरी में खड़ा था मेरे साइड में आदमी का बिल बना 500 समथिंग का, व्हाट हैपेंड इज यहाँ के लोग ना बड़े बियर्ड से हैं फॉर सम रीज़न, मेरे से पहले एक आदमी का 700 कुछ का बिल बना था, उसने भी पता नहीं कि पानी के पीछे कुछ बहसबाजी हुई उसकी कि पानी तो रखना चाहिए वो फलाना ढमकाना, जब बेकरी पानी बेच रही है अलग से यार दिक्कत है, फिर ये वाला आदमी कहता बिल दो चलो वो तो ठीक है भाई, उसके बाद उसने 100 का नोट पकड़ाया, गांधी जी पे कलरिंग हो रखे भाई, कहाँ से ला रहे इतनी हिम्मत। फिलहाल मैं रुका हूँ भाई इस वाले होटल में वेनिस, बस अंदर चलते हैं, सामान ले लिया, खाना भी मम्मी ने ऑर्डर कर दिया था पीछे से, होपफुली अब तक आ गए हो, और अब चलते हैं जल्दी से, बाइक लगी हुई अपनी बड़े सेफ रहे। हेलो गाइस, वड़ा पाव टाइम, कैसा है, अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा, दो ऑर्डर लिया है, दो लिया। ये कैसे लोग हैं, ये ऐसे राइड होगी बजट में, कितने का है? ओ भाई कितने का है भाई, क्या खाना बेच रहे हैं लोग, 40 रुपए का है, ले आया दो लिया भाई, इतना शानदार है, मेरे को नहीं पता कि बड़ा पाव का क्या टेस्ट होता है, बट ये जो है ना दिल्ली फेल है, इसके आगे मेरे को भी चलना है, चलोगे खाना खा के ना, बंद हो जाएगी तब तक, चलो फिर उसको क्या बोलोगे खाने का, कढ़ाई पनीर आ गया अपना, प्याज आ गया, सिरके वाला प्याज है क्या, नॉर्मल है, सिरके वाला नहीं है नॉर्मल है, रोटी इधर है, बाकी ये देखो गाइस फुल पार्टी, फर्स्ट डे है, राइड कंप्लीट नहीं हुई है अभी, जो ये पार्टी चल रही है ये देखो भाई, भाई इसका अच्छा है, मम्मी कह रही है अभी जाने को चलोगे, नान खाएंगे, दिल्ली में तो खाते नहीं है, आप में तो ले रहा हूँ सब्जी अभी के लिए, पनीर ही नहीं आया, बहुत ही अम्मी है यार, प्याज भी बहुत मस्त है, खट्टा, मजा आ गया, लैंड जाउन के बाद इतना बढ़िया खाना आप खाया, होटल का, होटल का खाना लैंड जाउन के बाद, हाँ के बाद कहाँ गए, धर्मशाला वगैरह गए, हाँ दिल्ली फेल है भाई खाने के आगे, हाँ यार बिल्कुल भी शायद भाई, दिल्ली में हम पनीर नहीं खाते लेकिन पंजाब है इसलिए मैं पनीर खा रही हूँ कि यहाँ तो शुद्ध होगा, दिल्ली फेल है खाने आगे, और यहाँ पर यार बहुत वैरायटी है चीजों में, बेकरी में वैरायटी है, हर चीज में वैरायटी बहुत है, तेरा मेसू चेक करियो यहाँ पर हमने, मैं नहीं करूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, पंजाब में तेरा मेसू कौन ट्राई करता है भाई, चलो भाई काटो, हैप्पी बर्थडे, मतलब पठानकोट का एक ट्रिप तो सिर्फ खाने के भी हो सकता है, अगर खाने के ब्लॉग्स बनाने हो तो, डिफरेंस है, और यहाँ के ना हर आइटम में एक वो फ्रेशनेस वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि 4-4 दिन तक पड़ा हुआ है, दिल्ली में कुछ भी खाओ क्रीम, क्रीम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, अगर मैं ऐसे काटूं
वैसे तो फूड ब्लॉग नहीं है बट ठीक है गाइस बेयर मी। तो ऐसे स्पून जा रहा है दिल्ली वालों ने साला थोड़ा मारना नहीं, क्रीम भी अजीब सी होती है। मम्मी भी आ गई, मम्मी ने कहा ऐसा क्या है बेकरी का जो इतनी तारीफ हो रही। एनीवन तो मुझे लगा कि एनीवन वाचिंग फ्रॉम पठानकोट यू कैन विजिट हियर रिकमेंडेड हाईली। ये लेके गया था मैं मल्टीग्रेन वेज हॉट डॉग और वड़ा पाव। मम्मी को वड़ा पाव काफ़ी पसंद आया। बाकी बिस्किट विस्किट हैं यहाँ पे हैं, मुझे तो कुछ नहीं खाने। कहाँ लेके जाएंगे बाइक पे, ये अच्छे लग रहे हैं। गोड़ आटा बिस्किट यार अच्छी चीज़ें हैं बिल्कुल, दिल्ली में देखने को नहीं मिलते यार इतने, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। नाइस, बहुत आइटम बहुत आइटम। चलो गाइस लेट्स ट्राई क्रीम रोल, गरम रोल और अंदर ठंडी क्रीम। भाई बाकी कुछ आइटम मत देखो भाई, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं कहाँ लेके जाओगे। एक कर दो एक। भाई बहुत बहुत बढ़िया आइटम है बट नहीं ले सकते यार। पनीर हम नहीं खाते दिल्ली में, नकली आता है पनीर, यहाँ आके खाया है मैंने। बढ़िया ना, डिफरेंस है, वहाँ तो पीछे से आ रहे होते हैं बने बनाए। ये इस व्लॉग में इतना ही था, आज हमने करा दिल्ली से पठानकोट, जाना जम्मू था बट पठानकोट ही आके रुक गए। और किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये व्लॉग पसंद आया और चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। और भाई आगे जो सीरीज़ आने वाली है, आगे जो धमाल होने वाला है, ये जो इतना सारा सामान लेके डोल रहे हैं भाई, इसमें क्या क्या है वो धीरे धीरे राज खुलेंगे। उसके लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की जो लद्दाख सीरीज पूरी आने वाली है वो आपको नोटिफिकेशन दे दे यूट्यूब। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ अगर पसंद आया वीडियो तो कुछ भी कमेंट करो, कुछ भी लिख दो या फिर एक हार्ट या कुछ भी एक इमोजी छोड़ दो, तो भाई उससे पता चल जाएगा मेरे को कि आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है। आज पहला दिन था, आज इतना कुछ खास था नहीं क्योंकि सिर्फ हाईवे ना अपना था। कल से और उसके बाद से मतलब जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना तो भाई इंटरेस्टिंग होने वाला पूरा। तो इसी बात पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक कमेंट छोड़ते हुए जाना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अनुज कमल गोयल के नाम से आईडी है वहाँ पर, क्योंकि एकदम लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। और भाई थोड़ा सा पेट भर आ गया, इतना ज़्यादा खा लिए। इसी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय।